बीवी की प्रॉपर्टी पर बहनों के हिस्से रहते हैं क्या? देखिए, बीवी की प्रॉपर्टी के अंदर बहनों के हिस्से हो सकते हैं, ये कंडीशनल होता है, लेकिन वो आपको पूरा विरासत जानना पड़ेगा और जितने जिंदा लोग हैं वारिसिन उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा मिलेगा या ना मिलेगा। तो जवाब होगा हाँ और ना। लेकिन तीन लोग ऐसे जिनको विरासत हमेशा मिलेंगी, हर कंडीशन में मिलेंगी, वालिदैन, ज़ौजैन और वलदैन, माँ बाप, बीवी शौहर और बेटा और बेटी, इनको हमेशा मिलता, इनको कोई काट नहीं सकता। ये तीन लोगों को, वालिदैन, ज़ौजैन और वलदैन, तीनों को मिलेंगे, हमेशा मिलेगा। इसके बाद के सब कंडीशनल हो जाते हैं। जैसे अगर बेटों औलाद में बेटा नहीं है तो चचाओं की तरफ हिस्सा जाना शुरू हो जाता है, समझ रहे? तो बहनों को भी मिलेगा लेकिन ये कंडीशनल है, तो सादे सवाल में जवाब नहीं आएगा इसका, आपको वो केस लेना पड़ेगा, उस केस स्टडी में पता चलेगा कि इनको भाई नहीं थे वगैरह नहीं थे तो बहनों की तरफ। भाई की प्रॉपर्टी में बहनों का हिस्सा बोल रहे हैं, तो भाई की प्रॉपर्टी में से अगर बहन के लिए भाई ले रहा हूं तो भाई की प्रॉपर्टी में बहनों का हिस्सा भी उसी तरह से होगा। मतलब अगर भाई को बेटा और बेटी है तो बहनों को हिस्सा नहीं मिलता फिर, अगर भाई को बेटा बेटी नहीं औलाद नहीं है तो बहनों तक आएंगी बात। इसलिए मैंने बोला तीन लोगों को हमेशा मिलेगा, इसके बाद के सारे लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड है कितने लोग जिंदा है और कितने नहीं है, कौन जिंदा है कौन नहीं, वालिदैन नहीं है, ज़ौजैन नहीं है, वालिदैन नहीं है तो बच्चे नहीं है, तो फिर बहनों और भाई की बात आएंगी। लिहाजा ये तीन को तो हमेशा मिलता, इसके बाद के सब कंडीशनल है। अब वो सवाल मरने के बाद जो बचेंगे लोग उन पर डिपेंड है किसको मिलेंगे और किसको नहीं। किसी ने कहा अगर अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताऊन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।